विरासत है, लेकिन हम उसको एक हेरिटेज से बात करें, जैसे लैंडस्केप ताजमहल को हेरिटेज मानते हैं, हमें नदियों को हेरिटेज का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि हम नदी को बचाने आए हैं, तो इसमें हमारा दम जल रहा है, ईगो। हम नदियों को बचाने नहीं आए, नदियाँ हमें बचाएगी, क्योंकि जब नदियाँ नहीं रहेगी तो हमारी सभ्यता का भी अंत हो जाएगा। स्वामी जी, जैसे कि इन्होंने शुरू में बताया कि ये ब्रह्म सत्ता की यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन जो अभिनंता और निर्माता पे जो जो एक प्रहार लोगों ने किया, एक सामाजिक तंत्र ने किया, जो हमने डैम्स बनाए, रिवर्स को ओवर एलोकेट किया, मतलब जितना नदी में इकोलॉजिकल फ्लो होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमने नहरों में कई इकाइयों में काट के पानी को हमने डाइवर्ट किया। और अभी अगर आप देखें तो पूरे बेसिन का जो हिस्सा है करीब 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर है गंगा बेसिन, उसमें मात्र भारत का शेयर करीब 63% है। इसको गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन कहते हैं। बांग्लादेश की नदियां हैं, तिब्बत की नदियां हैं, नेपाल की सारी नदियां गंगा में मिल जाती हैं, और जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके ऊपर करीब 3,000 ग्लेशियर्स हमारे भारत के हिस्से में आता है, 3,000 तिब्बत और नेपाल के हिस्से में आता है। तो पूरे बेसिन आबादी भारत वर्ष की पूरे गंगा बेसिन में रहती है, और अगर आप देखें जितना पानी है उससे कहीं ज्यादा हमने केनाल्स बना दिए। अकेले उत्तर प्रदेश में केनाल की लंबाई 74,000 किलोमीटर है, 74,000 किलोमीटर्स ऑफ केनाल नेटवर्क ओनली डिपेंडेंट अपॉन गंगा सिस्टम्स। मतलब नदी के जल का हमने सही आकलन नहीं किया, कितना जल है जिसको एलोकेट कर सकते हो अपने खेतों में सिंचाई के लिए। दूसरी बात, जो पर्यावरणीय प्रवाह की आपने बात करी, इन्वायरमेंटल फ्लो, कई बार हम इन्वायरमेंटल फ्लो एक फिगर बता देते हैं कि नदी में इतना न्यूनतम प्रवाह हम होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नदी एक, जैसे आपने पहले भी बताया था कि गंगा जो वर्ड है, गंग गंग दो बार यूज हुआ है, गंग धातु, गंग गंग, वो गंगना मतलब प्रवाह बांध रहे, बिना बांध के निर्बंध बांध बहती रहे, अविरल निर्मल बहती रहे, इसका मतलब होता है गंग, गंग का मतलब गंग धातु। और एक बार नहीं दो बार प्रयोग हुआ गंगा में, गंग गंग। इन्होंने बताया नद्या वेगेन सुजयति, इट इज द फ्लो ऑफ द रिवर दैट क्लींसेस द रिवर, नदी का वेग उसे शुद्ध करता है। अगर मैं कहूं कि नदियां 14 दिन में अपने आप को साफ कर लेती है, 14 डेज ऑफ क्लींसिंग पीरियड, जो मानसून में संक्रमण का काल होता है नदियों का, उस वक्त नदियां अपने आप शुद्ध कर लेती है बिना किसी ट्रीटमेंट प्लांट के, बिना किसी, इतना उसका फ्लशिंग फ्लो होते हैं। हर नदी का एक वेरिएबल फ्लो रिसीव होता है, एक फ्लो नहीं होता नदी के अंदर, कई तरह के फ्लोज होते हैं, उसको वेरिएबल फ्लो रिसीव्स कहते हैं, लो फ्लो, हाई फ्लो, स्लगिश फ्लो, वेरी हाई फ्लो, फ्लशिंग फ्लोज, और नदी का वेग ही उसे परिभाषित करता है। ये नदी कितनी निर्मल और अविरल बहती है, उसके साथ ही बोलते हैं डाइल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉल्यूशन, नदी में कितना डाइल्यूट हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि नदी में जितना पानी है उससे कहीं ज्यादा हम शहरों का मलमूत्र कूड़ा करकट सब नदी में डाल रहे हैं, और नदी को कचरा ढोने वाला एक गाड़ी बन समझ रखा है हमने। तो मैं जो प्रोफेसर टीजी अग्रवाल का मॉडल देखता हूं आज, जैसा कि पहले वो बाहर से पढ़े, कैलिफोर्निया से, बर्कली से पढ़ के आए थे, उस वक्त इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक पूरा ग्रुप बर्कली में कैलिफोर्निया में एक निकल के आ रहा था पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट बैच इंडिया में आए, यहाँ पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पहले वो बने चेयरमैन, पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड संभाला उन्होंने, फिर आईआईटी में पढ़ाए, वैज्ञानिक रहे, प्रोफेसर रहे, नीति नियंत्रण में भी रहे, पॉलिसीज भी बनाए, और लास्ट में वो साधु भी बने, अनशन भी किया, रिजल्ट क्या आया था, पूरा का पूरा मॉडल उन्होंने ट्राई किया, बीइंग अ टेक्नोक्रेट, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, बीइंग अ सेंट। तो आज हमारे समक्ष ये जो प्रश्न चिन्ह जो चुनौती खड़ा है,
कि ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त हो गया है और संघर्ष रूपी अग्नि बुझा दी गई, तो रास्ता क्या है? मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूं, मैं खुद कई बार अपने आप से पूछता हूं कि रास्ता क्या है। प्रोफेसर जीती अग्रवाल का रास्ता सारे मॉडल्स अपना लिए, और मैं भी गया था जब स्वामी निवानंद जी का 55 या 56वां दिन चल रहा था, मैं मातृ सेवा संघ गया था और बिना कुछ खाए पिए उन्होंने खीर पूरी बना के खिलाया था। हमारे साथ एक अमेरिका के वैज्ञानिक भी थे, हम लोग वही रुके थे मातृ सेवा संघ में, लेकिन इनका साथ कितने लोगों ने दिया। मेरे से कई बार लोग पूछते कि यार नदी पे काम करने वाले लोगों का नाम बताओ, मैं उंगलियों पे नाम नहीं गिन सकता हूं, इतने भारतवर्ष की जनसंख्या है, कितने लोग बिना किसी स्वार्थ के नदी पे काम कर रहे हैं, जिनकी इच्छा है कि गंगा नदी अविरल निर्मल बहती रहे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने से क्या नदियां साफ हो जाएगी? क्या नदी का विज्ञान हमने समझा है? क्या नदी के दोनों किनारे एक होते हैं कि आप डायफ्राम वॉल्स बना दो, जो डिजाइन इधर किया होता है लेफ्ट बैंक राइट बैंक, सबको पता है एक हिस्सा काटती है तो दूसरा हिस्सा उस पर डिपॉजिट करती है, इरोजन और डिपॉजिशन से की वजह से ही हमारा पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल और बांग्लादेश बना, गंगा जी ने बनाया है। जितने वेस्ट ऑफ बंगाल के जो बे ऑफ बंगाल की जो डेल्टा है, जो टापू है, ये गंगा ने बनाया, उसके सिल्ट ने बनाया, और सिल्ट इतना ज्यादा होता है हम तो केवल पानी देखते हैं, लेकिन पानी के अंदर जलीय जीव जंतु, सिल्ट, स्टोन्स, पेबल्स, इतने सारे एलिमेंट्स है जिसको ऊर्जा देते हैं। और अगर हम सिल्ट की बात करें, अकेले कोसी नदी में एक साल का सिल्ट अगर इकट्ठा किया जाए तो 1 मीटर ऊंचाई सिल्ट की है और 1 मीटर चौड़ाई से अगर हम उसको बनाए तो जो भू जो पूरे अर्थ का 2 बार चक्कर लगा देगा, इतना सिल्ट एक साल में आता है। और आपने क्या बनाया? फरक का बराज। बराज बनने की वजह से क्या हो रहा है कि आज नदी का बिस्तर, नदी का तल ऊपर और लोग जो बांध के किनारे रह रहे वो नीचे, और जब फ्लड्स होते हैं तो ये बांध बौने नजर आते हैं और कहीं से ब्रीच होता है। पहले क्या था, हम फ्लड्स और ड्राउट्स के साथ रहना सीख गए थे। फ्लड्स एंड ड्राउट्स पार्ट ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसको डेमोनाइज किसने किया? टेक्नोलॉजी ने एक विज्ञान लेके आया कि तटबंध बना दो। पहले भी बाढ़ आते थे लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में निकल जाते थे, 6 दिन में निकल जाते थे, 5 दिन में निकल जाते थे। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ तटबंध बनाए, एम्बैंकमेंट्स बनाए और बाढ़ को हमने रोका, और वही बाढ़ आज दिवी सिखाएं बदल गई। तो मैं समझता हूं कि नदी विज्ञान जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें फ्लो के साथ चलना है, हमें उसको मात्र एक वाटर कैरिंग चैनल नहीं समझना है। जैसे इन्होंने बताया ना बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज की बात बताऊं तो एक एक वायरस होता है जो कि ई कोलाई को खाता है। इतने लोग कुंभ में नहाते, कोलेरा हुआ किसी को? कभी एपिडेमिक फैला? गंगा का जो गांगे है, गंगत्व है, वो उसके बैक्टीरियोफाज और मिनरल्स है, जहां से वो लेके आती है ग्लेशियर से, उसके साथ जो मिनरल्स आते हैं, उसके साथ जो वनस्पतियां आती है, जो बैक्टीरियोफाज आते हैं, वो सब मिलके एक स्पेशल क्वालिटी गंगा के जल को देते हैं। और यही वजह है कि गंगा जल को आप रखिए तो खराब नहीं होता, बैक्टीरियोफाज वो ई कोलाई को खाता है। और ऐसा रिसर्च में हुआ है, डीडी ने किया है, कि जब हम डैम बनाते हैं, जब हम एम्बैंकमेंट बनाते हैं, जब हम पानी को रोकते हैं, तो पता नहीं कितने साल पुराना पानी वहां पड़ा है और हम पैकेट से पानी रिलीज कर रहे हैं। या कुंभ में नहाना होता है तो नरोड़ा बराज से ऊपर से छोटे भीमोड़ा बराज से, और यहाँ पहुंचने में 12-13 दिन लग जाते हैं कुंभ में, लेकिन उस पानी में बैक्टीरियोफाज नहीं होता, क्योंकि आपने पूरे नेचुरल साइकिल्स को उसको छेड़ा। तो मैं स्वामी से पूछना चाहता हूं कि मेरे मन में यह प्रश्न उठता है बार बार कि कौन सा मॉडल हम अपनाएं। एक तरफ टेक्नोलॉजी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की टेक्नोलॉजी है, और अभी जो हम ये इतना बिजली देख रहे हैं, ये भी शायद कहीं यहाँ तो है थर्मल पावर प्लांट, लेकिन बहुत जगह तो गंगा के हाइड्रो पावर से आ रहा है। तो एक तरफ तो हमारी जो जीवन शैली है उसको बदल नहीं सकते, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा ऊर्जा का कि हम हाइड्रो पावर को तुरंत रिप्लेस कर दें,
तो मेरा सवाल यह है कि आखिर गंगा को अविरल और निर्मल कैसे बनाया जाए? कई प्रश्न जी है कि गरीब जो डेवलपमेंट कैसे होगा, विराम दो को। अभी हम जहां पर है, जब हमने देख लिया कि हमने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है और इसका परिणाम आज देखिए, आज यूडी वैसे मैं बना हुआ, आज यूडी की जमुना नदी शुरू होती है, की जमुना का यदि वह निर्मल जल होता पेपर मिल को कंपलसरी कर दे कि तुमको इतना एरिया का ही लेना है। अब उसे दो लाभ हो जाएगा, किसानों को धन मिलेगा, पेपर मिल को टाइम बाउंड कर देगा तो तुमको उसका अगला फसल बर्बाद न हो। जमुना जी आज ठीक है, जमुना में पहला ऐसा बना दिया, ये कर दिया जमुना शुद्ध हो। आज जमुना का पानी वह उस समय का उस तरह का पानी रहता जिस तरह का पानी उनके कृष्ण की चर्चा होती है, जमुना में जाकर के उतना और जिंदा एक बार स्नान कर देता तो बहुत दूसरा। तो आखिर मॉडल हम जब देख लिए हैं, कोई एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो गया है, रास्ते पर चल पड़े हैं, तो हमें उसको विराम दे करके धीरे धीरे ऐसा अपना लेना होगा। अब आप हिंदी की बात गीता जो केवल हाइड्रो पावर ही नहीं, बिजली का अनेक समाज नहीं रह गया।
बड़े समाज में आप कौन सा मूल्य देना चाहते हैं? ये वही करना होगा कि प्राकृतिक विषमता भी हो होने पाए और जिसे दिखाता दिखा ये कहते हैं उसको आज की इस वैज्ञानिक युग में यदि आप इसे नष्ट कर देंगे तो उसे वैज्ञानिक आपको दबा और बुद्धिजीवी को बैठ करके इसका व्याकरण करना चाहिए कि कौन या गंगा हमारे गंगा के दूर कितने बची रहे गंगा किनारे आप ठीक कहते हैं गंगा के बीच में बनाया है गंगा किनारे खबर में फैलेगा गंगा किनारे हमारी भी होगी गंगा किनारे लोग स्वच्छ रहेगा जो याद है क्या कहते हैं शादी में जागे सो जगह है वहाँ गए वो वहाँ एक आदमी जाए तो हम आगे जितना जी कर रहे हैं सब जमीन जीवन की रक्षा के लिए कर रहे हैं लेकिन रोग ग्रस्त होकर के नाना प्रकार के आपदाओं में रह करके हम इसी भोग को भोगे वो उचित नहीं उसमें नदी को उसी के भी प्राइवेट देना पड़े ठीक करते गंगा है परिक्रमा को ली थी गंगा को साफ करने के लिए साफ नहीं तो जब उसे अंग को ठीक नहीं किया जाएगा मनुष्य क्या एक आए जिसके अनुभव दौर में डैम जो ऊपर बना है तो वो अल्टीमेटली पानी तो फिर आता ही है जल और गंगा जल में होता क्या है जब वो जल चलता है हमने तो उसको अपने अनुभव किया है किसी डैम 2004 में जब गंगा किनारे स्नान करने जाते थे तो जून के महीने में हम 10 मिनट स्नान करके निकले आज दिसंबर जनवरी में भी तो सबसे पहले यदि आप डैम बना के रोकेंगे शीतलता के ये तो वैज्ञानिक तौर से प्रमाणित दूसरी बात जिस फैक्ट्री को खाए इसकी बात आ रही है कि गंगा है वो डैम से निकला वो उसके प्रवाह में उसके दांत और प्रवाह को नष्ट हो जाएगा और तीसरी बात ये है कि देखिए केवल मनुष्य को मिलने लगा नहीं चक्र प्रकृति का चक्र इतना सूक्ष्म है जो समझना में बहुत कठिन बहुत सी मछलियां 3-4 तरह की मछलियां वो रहती है समुद्र और प्रजनन करके महावे तो उसका वो सब क्या कर जाती है उसका भोजन हो जाए दूसरी बात है जब वहां से आपकी मछलियां मिलेंगी उसी आप टरबाइन में चलाएंगे तो यह जो रूप है जो हम अपने स्वास्थ्य और जैसे नदी के लिए जरूरी है उसकी भी जरूरी जल और गंगा जल तालाब हमें जो है हमारे यहाँ तो पहले तालाब भी इतने स्वच्छ थे कि हम लोग तालाब का ही पानी यदि सवाल हो तो कुछ
सकते हैं एक सवाल जो है वो ये है कि अभी आप गंगा को जैसे बचाने की बात कर रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ एक वो चल रहा है जो गवर्नमेंट की ओर से साफ करना है गंगा को साफ करके बहुत करोड़ों उसमें खर्च किया जा रहा है इस जो योजना है या फिर जो भी प्रयास है इसे आप कैसे देख पाते हैं एक और इसी से मतलब किसी ने दूसरा सवाल पूछ देता हूँ दूसरा सवाल ये है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है मतलब ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं दे रहे अगर यही स्थिति ऐसे ही बनी रहती है तो आने वाले मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 30 साल 40 साल बाद क्या है क्या देख पा रहे हैं आप इस गंगा सफाई की बात करते हो तो कितना भेद सब सफाई तो उसकी की जाती है जो गंदी होती गंगा का जल में कहा भी था आज हजार साल जैसे पवित्र है वैसे अभी भी मैं हजार लोगों को मोती दिया था तीन दिन रात अभी मैंने गंगा जल ही दिया तो अभी स्रोत में गंगा वैसी हम उसे गंगा करते अब देखिए ये कोई सहाय उसका मान लीजिए 500 ml की उसकी क्षमता का बना ली एक हरिद्वार बनारस या कलकत्ता या पटना या कानपुर के सीधे ट्रीटमेंट प्लांट को बनाने के लिए लखनऊ या दक्षिण भारत के शहर की या प्रतियोगियों के साथ आपके घर के सीधे की सफाई के लिए आपका पड़ोसी को आप इस साल में राज्य आपकी गंगा नारायण से टैक्स पे कीजिए और ज्यादा टैक्स पे करके अपने सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए और उस पानी को आप बागवानी में खेती में जहां उपयोग करना चाहते करें गंगा में या किसी अन्य नदी में न मिलावे गंगा की सुविधा अभी जो कार्य के दौरान गंगे में 1000 करोड़ लग रहे हैं इसमें लग रहा है घाट बनाने में शमशान घाट घाट बनाने में सरकार का काम है कि गंगा शमशान घाट बनाने में सरकार का काम है गंगा का सबसे बड़ा कारण ये है अंतहीन समस्या या ऐसे किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं किया जा सकता है लेकिन एक तरफ तो आप विष है और दूसरी तरफ मेडिसिन है तो ये अंतहीन समस्या को कारण गंगा को आप या किसी भी नदी को अपने और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वैज्ञानिकों ने पूरे शहर का सीरियस जो एक जगह जमा कर दिया यह बहुत बड़ा है। एक कॉलोनी है कॉलोनी के सीवेज को लोकी वहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दे और वहीं ठीक कर और वहीं उसके जल को लेकर के उसी कॉलोनी में बागवानी इत्यादि लगा दे तो समस्या ही ये किसने और पूरे शहर से गंदगी जाती जाती है उसके ऊपर हम बैठे रहते तो ये कहां का स्रोत हो गया कि कौन सा डेवलपमेंट हो गया इसलिए हम कहते हैं कि जरूरत है बुद्धिजीवियों और ऐसे बुद्धिजीवी जो सही अर्थ में बुद्धिजीवी क्यों ढंग के होते
जीवन यापन करने वाले हैं। एक उनके पास सही रूप में